अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरिफ व्लॉगर। तो जी कैसे आप, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जी माशाल्लाह, ये हमारा सोनाली मुर्गी का फार्म, चेक करें माशाल्लाह। इनके लिए मैं खाना लेके आया हूँ अभी। तो जी ये देखिए माशाल्लाह, ये हम डब्बे नए नए लेके आए हैं हमारी मुर्गी के लिए। हमारी मुर्गी वो है, उसके लिए ये नए डब्बे लेके आए हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि ये हमारे डब्बे जो है ना, ऐसे वाले वो टूट गए थे बारिश में, इसलिए अभी ये हर बाब हमारा नया लेके आया। देखिए जी, मैंने इनके लिए खाना लेके आया अपनी मुर्गी के लिए माशाल्लाह। ये मैं पीछे होता जा रहा हूँ, ये मेरे पीछे आ रही हैं सब मुर्गी हमारी माशाल्लाह। ये देखें हमारी जो आधी मुर्गियाँ ना, वो छत के ऊपर बैठती है, वो तो पहले पता होगा आप लोगों को। ये देखें जी, और हम जो ना वो भी लेके आए थे, वो हमारे जो ये मुर्गी के डब्बे टूट गए थे ना बारिश की वजह से, अभी हमने वो नए ले लिए हैं। हमारा अरबाब नए लेके आया है, वो भी अभी जो है ना, इनको कल से ना उस नए डब्बे में पानी देंगे, इनको फेंक देंगे बाहर में, क्योंकि ये कचरा हो चुके हैं अभी। देखिए माशाल्लाह, अभी जो ऊपर मुर्गी है ना, पहले ना उनको नीचे कर उतार देते हैं, फिर इनको खाना देते हैं, क्योंकि वो ऊपर से बैठ के भूख से मरती हैं, खाना खाती नहीं है। ये जो मुर्गे हैं ना, बहुत भगाते हैं ना, इसलिए ये फिर डर के मारे बेचारी ऊपर चढ़ जाती है उधर। जी मैंने जाना मुर्गी को, सारी मुर्गी को नीचे उतार दिया अभी छत से, कुछ जो है ना अभी भी बैठी हुई है इस साइड में माशाल्लाह। देखिए जी, हमारी सोनाली मुर्गी है जी, अंडे देने से थकती नहीं है माशाल्लाह, इतने अंडे देती है ना। एक दो महीना कोई भी दिन को जो है ना वो छोड़ती नहीं है, दो महीना पूरे अंडे देती रहती हैं ये। ये हमारे मुर्गे ज़्यादा हैं, इनको कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए, तो जी मैंने जो है ना इनको खाना दे दिया है माशाल्लाह, चेक करें, इनको खाना भी दे दिया। क्योंकि हमारी मुर्गी जो है ना इसमें बंद होती है, इस गुरफे में, हम इसको सुबह खुला करते हैं और शाम को जो है ना ये खुद इस डब्बे इस गुरफे में चली जाती हैं। ये सारा दिन इसी चौदीवारी के अंदर में रहती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हवेल है, इधर घूमती रहती हैं, खाना भी इनको इधर ही देते हैं। कोई बंदे होते हैं जो मुर्गी को बंद करके रखते हैं, हम नहीं करते, हम बाहर में ही खुला कर देते हैं इनको, ताकि ये सुकून से बाहर में जो है ना कीड़े मकोड़े या कुछ और खाती रहेंगी। क्योंकि एक ही उधर गुफे में बंद करेंगे तो उधर तबाह हो जाएंगी, इनकी बीट होती है। ये बहर में इधर खुली जगह में घूमेंगी तो इधर धूप भी बहुत होती है, इसलिए हम इनको सारा दिन बहर में ही खुला कर देते हैं, सारा दिन ये बहर में रहती हैं माशाल्लाह। और हम हर हफ्ते जो है ना इनको दवाई रखते हैं, पानी में एक पाउडर मिलता है, वो हमारे अरबाब ने हमको दिया हुआ है, वो हर हफ्ते हम इसको पानी में मिक्स करके रखते हैं, उससे माशाल्लाह ये बेहतरीन रहती हैं, बीमार नहीं होती हैं। पूछ वाले को ये देखें जी, कितने मुर्गे हैं माशाल्लाह, चेक करें, ये इतना सारे मुर्गे हैं, मुर्गियों को इतना तंग करते हैं ना, ये देखें अंदर में इधर। अभी जो चल के ना, ये जो हमारी बदके हैं, इनके लिए मैंने वो खुबोस को जो है ना रोटी को मैंने गीला करके रखा हुआ है, वो देते हैं ये बेचारी को,
क्योंकि इनको बहुत भूख लगती है। ये दाना तो ये मोटे पतले वाला होता है, ये खा नहीं सकती। और ये हमारे तीन बटेरे, अभी जो है ना ये वाला हिस्सा इसका खुला हुआ है, हमारे इधर का जो ये है गुरफा मुर्गियों का, इसको जो है ना हम इधर से अभी बंद कर देते हैं। तिरपाल एक रखा हुआ है, वो भी लेके आते हैं, वो इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि रात को थोड़ी सर्दी होती है ना, हम नहीं चाहते कि हमारी मुर्गी बीमार हो जाए। अभी अंदर में जा रही है, हम आपको तिरपाल दिखा देते हैं जो हमने मुर्गी को बंद कर दिया है। वो देखें, वो इसको मैंने बंद कर दिया है। अभी ये चेक करें, इस साइड से चलते हैं, इधर से दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखें, मैंने तिरपाल जो है ना इस साइड में बंद कर दिया है, क्योंकि इधर से पहले बंद किया हुआ था ताकि इसको कोई ठंडी हवा ना लगे, मुर्गियों को बीमार ना हो जाए। ये देखें, ये एक साइड बचा हुआ था, इधर से भी अभी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि रात को जो है ना ठंडी ठंडी हवा चलती है इधर, मुर्गियों को ठंड ना लगे इसलिए। मुझे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।